हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग लूटली कैसे आप सब लोग यार वापस से स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर जहाँ पे जहाँ पे हम मचा रहे होंगे हमारे बी की कहानी को बी की कहानी को वन शॉर्ट रिवीजन लेक्चर का आज हमारा दूसरा सेशन जहाँ पे जहां पे योयो -यो के साथ आपसे लूटली योयो के साथ हैश टैग लगाएंगे सब आ जाओ और जोर से एक बार बोलेंगे खम ऑन एवरीबडी जोर से एक बार बोलेंगे सबका ध्यान बाबा का ज्ञान आज डीसी को इस सेशन में हम खत्म कर रहे होंगे तब तक तब तक इस सेशन को हम एंड ही नहीं करेंगे तो चलिए आपकी मोहब्बत वाली लाइक प्यारी प्यारी शेयर खतरनाक वाली सब्सक्राइब के साथ क्योंकि जिस दिन इंडिया का एजुकेशनल चैनल्स आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा सिर्फ अपना ही नहीं बाकी सारे चैनल्स जिस दिन एजुकेशनल चैनल्स आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे ना जनाब उस दिन मेरा देश आगे बढ़ेगा और शायद से शायद से आप सभी वही चाहते हो तो फटाफट फड़ से व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी ज्वाइन हो जाइए कनेक्ट हो जाइए नाम तो आप जानते हो काम तो आप देखते हो कितना बेहतरीन चलता है शुरू करते कहानी को शुरू करते कहानी को कल की सेशन में हमने किया था यस 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 कल की सेशन में हमने कर दिया था होप यू रिमेंबर स्टार डेल्टा मेश एनालिसिस नोडल एनालिसिस आज हम कर रहे होंगे सुपर पोजिशन तेवीनिय कानी वही सोच नहीं क्या बात है चलिए 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 फटाफट से आ जाइए फटाफट से आ जाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए शुरुआत करते सुपर पोजिशन आ हा हा सुपर पोजिशन जो रहेगा सबसे ऊपर वही रहेगा मेरा सुपर सुपर पोजिशन तियरम पहली कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देते हैं सुपर पोजिशन का मतलब क्या है देखिए मैंने बोलते वक्त ही बोल दिया है मैंने बोलते वक्त बोल वही रहेगा वेदर इट इज अ करंट सोर्स और इट कैन बी अ वोल्टेज सोर्स दोनों में से कोई तो एक दोनों में से कोई तो एक ओके अब सीन क्या है बड़ी ध्यान से देखना बड़ी ध्यान से देखना ओहो हो देखिए सीओवीएस वाली कहानी बड़ी याद रखो सीओवीएस टैटू छपवा लो यहां पे यहां पे जब तक पेपर नहीं होता ना यहां तो, यहां पे टैटू छपवा लो सीओवीएस मतलब क्या होता है करंट सोर्स को ओपन सर्किट करने का वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करने का क्या बोला करंट सोर्स को ओपन सर्किटेड करने का वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किटेड करने का ठीक है कॉन्सेप्ट बताता हूं क्यू लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर है ना न्यूमेरिकल के अंदर तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझेगा ओके तो चलिए पहला सवाल ओहो पहला सवाल फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू फाइंड द वैल्यू वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू करंट फ्लोइंग थ्रू फ्लोइंग थ्रू समझ रहे हो फ्लोइंग थ्रू हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द एट ओम रजिस्टर द एट ओम रजिस्टर ठीक चल रहा है एट ओम रजिस्टर के अक्रॉस का हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है कैसे है बड़ी ध्यान से समझते हैं यार चलिए तो यहाँ पे मैंने रख दिया है एक बिल्कुल रजिस्टर इस प्रकार से डायग्राम को ध्यान से ड्रॉ करिए ठीक है यहां पे एक रेजिस्टर कोई दिक्कत नहीं है यहां पे एक वाली रेजिस्टर ठीक चल रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन बिल्कुल यहां पे बनेगा हमारा एक और करंट सोर्स यहाँ पे रहेगा एक और करंट सोर्स ठीक चल रहा है आपसे लूट वाला ठीक चल रहा है ये भी ठीक है ठीक है तो ये ट्वेल्व ओम की कहानी ये थर्टी ओम की कहानी यहाँ पे वापस से बनेगा ट्वेंटी फाइव एम्पियर्स यहाँ पे एट ओम एंड अगेन यहाँ पे बन रहा है फाइव एम्पियर्स तो दिस इज वॉट दी क्वेश्चन विच वी हैव आस्क्ड इन अवर मेन एग्जाम है ना ये ऑलरेडी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और एट ओम के अक्रॉस का आपको पूछा है करंट कितना फ्लो होएगा और यहाँ पे मेंशन करते हैं मेथड कौन सी यूज करनी है ना आप इसमें मेश एनालिसिस यूज कर सकते हो आप इसमें तेविनियंस कर सकते हो नोटन्स कर सकते हो नोडल कर सकते हो सुपर पोजिशन भी कर सकते हो एग्जाम में वो लोग क्लियरली मेंशन करते हैं कि आपको कौन से मेथड से इसको सॉल्व करना है तो अगर नहीं मेंशन किया तो इट्स अप टू यू आपका चॉइस रहेगा कि आपको कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करना है वो ठीक है कोई टेंशन नहीं है तो शुरुआत करते हैं एट ओम रजिस्टर की कहानी से ठीक है सबसे पहले स्टेप नंबर वन एक एक सोर्स को एक्टिव करेंगे दो सोर्सेस मुझे यहां पे नजर आ रहे हैं एक फाइव एम्पियर का और एक ट्वेंटी फाइव एम्पियर का राइट तो एक काम करते हैं फाइव एम्पियर इज एक्टिंग अलोन यहां पे लिखते हैं फाइव एम्पियर इज एक्टिंग अलोन है ना मतलब वो अकेला ही एक्ट हो रहा है ठीक है अभी ये करंट सोर्स है ना 25 फाइव तो उसको क्या बनाया जाएगा सी ओ करंट सोर्स को ओपन सर्किटेड तो डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं वापस से और चेक करते हैं आपको किधर तक समझ रहा है कर दिया कर दिया और यहाँ पे ये फाइ वाला अकेला बेचारा घूम रहा है ये भी कर दिया ठीक है यहाँ से यहाँ तक इसको कर दिया इसको कर दिया ओहो हो कर दिया बिल्कुल ये ओपन सर्किटेड हो चुका है तो ये थर्टी का है ये एट का है ये ट्वेल्व का है और ये फाइव एम्पियर की कहानी अब करंट सोर्स को ओपन क्यों रखा जाता है वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट क्यों रखा जाता है मैंने वादा किया था आपसे मैं बताऊंगा हाँ ठीक है ठीक है देखिए करंट सोर्स में जब आप कोई भी करंट सोर्स अप्लाई करते हो तो उसके अक्रॉस यहाँ पे आप करंट सोर्स मतलब जो भी एम्पियर वाला जो भी सोर्स होता है वो लगा देते हो जब आप मेश का करंट ढूंढना चाहते हो तो उसके अक्रॉस करंट फ्लो होता रहता है अगर आप इसको शॉर्ट करोगे तो भी इसमें करंट करंट फ्लो फ्लो होगा होगा वो हो और मुझे अगर करंट सोर्स है तो इनफिनिटी करंट फ्लो लेकर फायदा नहीं है क्योंकि वो स्पेसिफिक करंट सोर्स है इसलिए उसको डायरेक्टली ओपन किया जाता है ताकि उसमें से करंट फ्लो ही ना हो है ना वायर ही उसका काटा जाता है ताकि उसमें से करंट कोई फ्लो हो ही ना हो ओके चलिए 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 बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे एंड दैट्स द रीजन अभी यहाँ पे सीन बिल्कुल सही है करण जी कौन सा सवाल गलत है मुझे क्वेश्चन नंबर बताइए सिर्फ गलत है गलत है ये बोलकर फायदा नहीं है कौन सा सवाल गलत है सवाल गलत है आंसर गलत है वो भी बता देना तो फायदा होगा है ना मतलब क्योंकि स्पैमर्स लोग भी आते हैं बहुत सारे बोलते हैं गलत है गलत है गलत है आई डोंट नो क्या ही काम धंधा है उनकी जिंदगी में ठीक है चलिए तो बढ़ते आगे अब सीन क्या है देखो मुझे एट ओम के अक्रॉस का करंट यहां पे ढूंढना है इसके अक्रॉस का अब इसके अक्रॉस कोई डायरेक्ट करंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो ये फाइव एम्पियर वाला जो करंट है वो इस पॉइंट पर आकर क्या हो जाएगा दुविधा में पड़ जाएगा डबल माइंड में आ जाएगा कि भाई साहब मैं ट्वेल्व की तरफ जाऊं या एट की तरफ जाऊँ तो वैसे समय पे करंट डिवाइड होने वाला है और करंट डिवाइड होगा एंड दैट्स द रीजन उसको बोला जाता है करंट डिवीजन रूल क्या बोला जाता है करंट डिवीजन रूल अब क्या होता है हमारा करंट डिवीजन रूल बड़ी ध्यान से सुनना और समझना ओके चलिए 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 करंट डिवीजन रूल करंट डिवीजन रूल करंट डिवीजन रूल ओके कल का नोडल एनालिसिस वाला आंसर ठीक है आई जिल श्योरली चेक आउट एंड आई पोस्ट अ कम्युनिटी इमेज सो दैट बाकी लोग भी उसको रेक्टिफाई करेंगे अगर पॉइंट में डेसिमल में कुछ गड़बड़ है तो जरूर मैं उसको पोस्ट कर दूंगा चिंता मत करिए करंट डिवीजन रूल लेकिन मेथड की तरफ होपफुली आपको पक्का समझा होगा मेथड ऐसी आशा करते हैं ओके चलिए 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 ओके सो करंट डिवीजन रूल हमारा क्या होता है चेक करो आई डैश मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज इक्वल टू है ना रेजिस्टेंस विच इज इन ऑपोजिट दैट इज रेजिस्टेंस विच इज इन पारल अपॉन रेजिस्टेंस इन पारल प्लस रेजिस्टेंस इन लोड है ना लोड तो इस तरीके से इन टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इन टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट ओके वो करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें चेक करना होता है अब ये है मेरा करंट डिवीजन रूल इसको अप्लाई करते हैं लेकिन अप्लाई करने से पहले आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की रहेगी कि ये थर्टी और एट जो है ना वो सीरीज़ में बन जाएगा थर्टी और एट जो है वो सीरीज़ में बन जाएगा तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ ट्वेल्व यहाँ पे लगाना चाहते थर्टी और एट दैट इज़ थर्टी एट और यहाँ पे वापस से लगा दिया फ़ाइव एम्पियर का सोर्स ठीक है सो दिस इज़ बिकमिंग थर्टी एट दिस इज़ बिकमिंग ट्वेल्व तो ये थर्टी एट बन गया मेरा लोड थर्टी एट बन गया मेरा लोड क्योंकि उस थर्टी एट में मेरा एट ओम इंक्लूडेड है जिसके अक्रॉस का करंट आपको पूछा गया है आर यू गेटिंग माई पॉइंट चलिए 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 कोई टेंशन नहीं है कोई टेंशन नहीं है हाँ बिल्कुल बिल्कुल देर फोर देर फोर आई एल मतलब आप उसको आई डैश कह सकते हो या करंट होल करंट भी आप कह सकते हो दैट इज आई डैश इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ फाइव होने वाला है इन टू रेजिस्टेंस विच इज़ इन पैरल दैट इज़ 12 अपॉन 12 प्लस यहाँ पे थर्टी एट बनने वाला है सो देर फोर आई डैश इज इक्वल टू ये बन रहा है सिक्सटी अपॉन फिफ्टी दैट इज ये कट गया वन पॉइंट टू की कहानी एम्पियर तो ये आई डैश मेरा बनेगा 1.2 पॉइंट टू एम्पियर विच इज़ गेटिंग इन पॉजिटिव सो लेफ्ट टू राइट ओके विच इज गेटिंग अ पॉजिटिव दैट इज लेफ्ट टू राइट आप चेक कर सकते हो मेरे 5 एम्पियर का डायरेक्शन भी वही है ना है ओके okay? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ते हैं आगे कदम कदम बढ़ाए जा मेरा स्टेप नंबर टू लिखते जा चलो 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 स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू क्या है स्टेप टू बताइयो स्टेप टू क्या है चलिए 25 एम्पियर्स एक्टिंग अलोन आ 25 एम्पियर्स एक्टिंग अलोन एक्टिंग अलोन वो अकेला है ओहो मतलब फाइव वाला क्या हो गया ओपन हो गया तो उसको फाइव वाले को यहाँ पे ओपन बना डालते हैं ठीक है तो इसको लगा डाला तो लाइव जिंदा लाला ओहो हो क्या बात है चलिए तो ये ट्वेल्व बना ये एट की कहानी है यहाँ पे वापस से यहाँ पे वापस से ये कहानी देखो कितना सिंपल है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है ओके कॉन्सेप्ट बड़ी है सिंपल सॉल्व करो तो गाल के ऊपर आएगा डिंपल ओह हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल. चलिए ये ट्वेंटी फाइव एम्पियर यहाँ पे रहने वाला है ये एट ओम एट ओम वाली कहानी है ये ट्वेल्व ओम वाली कहानी है ठीक है अगेन ये थर्टी वाली है ये तो मेरा ओपन ही है कोई टेंशन नहीं है ट्वेंटी फाइव एम्पियर विच इज गोइंग इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन दैट डजेंट मैटर मुझे चेक करना है कि भाई साहब मेरा एट ओम के अक्रॉस का करंट कहाँ से गुजर रहा है ऑन कहाँ से गुज़र रहा है ओके ओके चलिए काम करते हैं ये तो ब्रांच चली गई मतलब इस सर्किट को रीड्रॉ किया है ना यहाँ पे लिखता हूँ रीड्रॉ रीड्रॉ किया तो मेरा सर्किट इस अंदाज़ में नज़र आएगा बरोबर और यहाँ पे एट तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे थर्टी वैसे के वैसे और इस करंट सोर्स को हम लगा देते हैं ठीक है तो ये ट्वेंटी फाइव एम्पियर यहाँ पे हो गया यहाँ पे थर्टी हो गया यहाँ पे एट है यहाँ पे ट्वेल्व है अब देखो ये ट्वेंटी फाइव से इस पॉइंट पे मेरा करंट गया कहाँ पे यहाँ पे गया यहाँ पे गया तो अभी यहाँ पे जाने के बाद मेरा ट्वेंटी फाइव एम्पियर दुविधा में पड़ गया भाई कहाँ जाऊँ थर्टी की तरफ जाऊँ या एट की तरफ जाऊँ हाँ तो वैसे समय पे क्या यूज करने का करंट डिवीजन रूल यूज करने का ओके तुषार जी इंस्टा पे आपने जो भी मैसेज या सम भेजा है हम आज आपको रिप्लाई कर देंगे काफ़ी सारे हजारों डीएम आए हैं तो यार थोड़े थोड़े करके हम रिप्लाई देने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं लेकिन ज़रूर आज आपका नाम ढूंढ के आपको रिप्लाई करेंगे चिंता मत करो ठीक है तुषार दुबे जी सिंगम जी याद रखना इनको रिप्लाई करना ठीक है बिल्कुल ओके तो अब देखिए सीन क्या है अच्छा ये एट और ट्वेल्व जो दिख रहा है आपको आप यहाँ पे मार्क करते हैं ये एट और ट्वेल्व जो दिख रहा है दे आर इन सीरीज़ ना दे आर इन सीरीज़ परफेक्ट तो इनको भी हम कर सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार से ओहो हो तो एट कहाँ चला गया मेरा लोड रेजिस्टेंस उसमें चला गया टेंशन नहीं है टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है ये समझ गया हमें तो ये ट्वेंटी है ये थर्टी है ये ट्वेंटी फ़ाइव है तो ख़त्म हो गया ना यार तो ये तो ख़त्म हो गया ये तो ख़त्म हो गया बिल्कुल 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 चलिए चलिए मचाते हैं शोर चारों और कम ऑन एवरीबॉडी एवरीबॉडी हर्ष जी हमने पहले ही रिप्लाई दे दिया है कि नोडल का जो भी आंसर अलग आ रहा है उसको रेक्टिफाई करेंगे उसको एक बार चेक करता हूँ और कम्युनिटी में पोस्ट डाल देता हूँ तो प्लीज़ वो नोडल वाली सीन को ख़त्म करो चिंता मत करो अगर उसमें डाउट है तो नोडल का एक और सवाल अगर आपको चाहिए तो आज के सेशन में एक और सवाल नोडल का आपके सामने रख दूंगा ठीक है टेंशन मत लेना ठीक है चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे यस तो ये सीन है ये सीन है ट्वेंटी फाइव एम्पियर्स अच्छा यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस तो बना ट्वेंटी ना क्योंकि एट ओम ट्वेंटी के अंदर इंक्लूडेड है तो अभी अपन करंट डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाबा जी यहाँ पे लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वॉट ये सब एग्जाम में लिखने का अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल करंट डिवीज़न डिवीज़न रूल क्या सीन है करंट डिवीज़न रूल में बताइयो आई डबल डैश विच इज़ इक्वल टू कम ऑन कम ऑन ट्वेंटी फाइव का करंट फ्लो हो रहा है इन टू ऑपोजिट रेजिस्टेंस विच इज़ पैरल दैट इज थर्टी थर्टी प्लस ट्वेंटी ओए होए होए होए, होए. तो ये बना ट्वेंटी फाइव इंटू थर्टी अपऑन ये फिफ्टी बनी 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 तो ये कितना बना फिफ्टीन एम्पियर का करंट फ्लो गया ये भी पॉजिटिव में आ चुका है तो इसका भी डायरेक्शन देर फोर स्टेप नंबर थ्री कमॉन कमॉन स्टेप नंबर थ्री आखिरी स्टेप क्योंकि दो ही सोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल थे तो स्टेप नंबर थ्री पे अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन थीअरम अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन पोजिशन थियरम चलिए 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 अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन थियरम बताइयो आई इज इक्वल टू आई डैश प्लस आई डबल डैश आई डैश ऑलरेडी अपन ने वन पॉइंट टू निकाल दिया था चेक करो स्टेप नंबर वन में ये फिफ्टीन निकाला है तो इट इज़ सिक्सटीन पॉइंट टू एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन यही है असली सुपर पोजिशन कमोन सिक्सटीन पॉइंट टू फ्लो हो रहा है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन यही है मेरा सुपर क्या बात है क्या बात है आई वॉन्ट यो यो कमॉन एवरीबडी एवरीबडी आई वॉन्ट यो 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 जब तक नहीं आएगा तेवीनियन तब तक शुरू नहीं होएगा फटाफट फटाफट यो यो चाहिए यार मुझे यस एवरीबडी आई वॉन्ट फटाफट वाला यो यो आई वॉन्ट फटाफट वाला यो यो चलिए तेवीनियन तेवीनियन यस 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 फटाफट वाला योयो यो चाहिए जनाब एवरी बडी एवरी बडी जब तक नहीं आएगा यो यो ओहो हो हो क्या बात है क्या बात है चलिए 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 फटाफट वाला यो यो चाहिए टेविनियंस की शुरुआत करते हैं ओहो हो अमेजिंग अमेजिंग आ रहा है आ रहा है बहुत सारे लोगों का यो यो आ चुका है तेवीनियंस थियरम कड़क वाला तेवीनियन स्थियरम क्या बात है अब शुरू होगा अब शुरू होगा कहानी देखो तेवीनियन थियरम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तीन स्टेप्स क्या क्या है वो तीन स्टेप्स बड़ी ध्यान से सुनना सब कुछ बताऊंगा शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा याद कैसे रखना है वो भी बताऊंगा कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल के अंदर बताता हूँ ठीक है वन शॉट में पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन ही करेंगे टेंशन मत लेना देखो स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन ये हेडिंग ही लिख रहा हूं मैं कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ वी टी एच दैट इज कॉल्ड एज टेविनियंस वोल्टेज टेविनियंस वोल्टेज अब इसके अंदर क्या करना होता है पहले लोड रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस को ओपन सर्किटेड करने का ओपन सर्किटेड करने का अब क्यों करने का ओपन सर्किटेड थोड़ा ध्यान से सुनो क्यों करने का ओपन सर्किटेड वो लोड रेजिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस का मुझे अगर वोल्टेज कैलकुलेट करना है या मेजर करना है तो मुझे वोल्ट मीटर पे पर लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर के दो नोड्स को वहां पे घुसाड़ने के लिए वहां पे सब्सटीट्यूट करने के लिए इंसर्ट करने के लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी समझ रहे हो जगह बनानी पड़ेगी और वही जगह बनाने के लिए लोड रेजिस्टेंस को हटाते हैं उसके अक्रॉस का हम वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं मेजर करते हैं एंड दैट्स द रीजन हम लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे ठीक है उसके बाद हम अप्लाइंग केवीएल अप्लाई केवीएल टू रिमेनिंग रिमेनिंग लूप्स है ना रिमेनिंग लूप्स के लिए एंड देन राइटिंग क्वेशन फॉर वी टी एच वीटीएच का इक्वेशन लिख देंगे फॉर बाकी बचे हुए हमारे पूरेकुलेशन के अनुसार फिर नेक्स्ट स्टेप नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ आर टी एच कैलकुलेशन ऑफ आर टी एच आर टी एच अब आर टी एच मतलब क्या तेवीनियंस रजिस्टर तो एक ही फंडा यूज करने का सीओ वी एस क्या सीओवीएस करंट सोर्स को ओपन सर्किटेड वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किटेड ओके डोंट वरी एफ एंड एफ ट्यूब जो भी है आपका नाम मैं जो नहीं पता हम नहीं जानते बट आपकी जो रिक्वेस्ट है कि सुपर पोजिशन का एक और सवाल आपकी रिक्वेस्ट को जरूर हम फुलफिल करेंगे पीवाई क्यू सेशन हम लेके आने वाले हैं कल संडे है तो कल पीवाई क्यू सेशन रहेगा उस पी वाई क्यू सेशन में खतरनाक सुपर पोजिशन का सम लेके आऊंगा चिंता मत करना ठीक है तो सीओ वी एस हम कर रहे होंगे यहां पे करंट सोर्स को ओपन सर्किटेड वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किटेड एंड देन अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सीरीज पैरेलल अकॉर्डिंग टू सीरीज पैरेलल टेक्निक सीरीज पैरेलल टेक्निक्स है ना टेक्निक हम इसको सॉल्व करेंगे और पर्टिकुलर आर टी एच को कैलकुलेशन करेंगे आर टी एच का कैलकुलेशन करेंगे ओके okay? चलिए 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 बिल्कुल 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 स्टेप नंबर थ्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पे हमारा का फॉर्मूला होता है हम कैलकुलेट करते हैं आई आई इज नथिंग बट वी बाय आर दैट इज आई एल इज इक्वल टू वी टी एच दैट इज वोल्टेज अपॉन आर टी एच प्लस लोड रेजिस्टेंस को भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा लोड रेजिस्टेंस को भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा सो दिस इज टू बी योर फॉर्मूला जहाँ से आपको आई एल की वैल्यू मिल रही होगी आई एल की वैल्यू मिल रही होगी तो ये थेविनियंस के खतरनाक वाले स्टेप्स है तो इसी खतरनाक वाले स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए हम एक खतरनाक वाला सवाल भी लेते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझेगा एक करंट सोर्स एक वोल्टेज सोर्स वाला सवाल लेंगे सो so दैट आपको ये ज्यादा प्यारा और बेहतर लगेगा सॉल्व करने के हिसाब से यूजिंग अ तेवीनियंस थियरम फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू करंट फ्लोइंग थ्रू ओके करंट फ्लोइंग थ्रू ठीक है करंट फ्लोइंग थ्रू दी टेन ओम रजिस्टर दी टेन ओम रजिस्टर है न रजिस्टर चेक करते हैं दी टेन ओम रजिस्टर यहाँ पे उन्होंने सर्किट डाइग्राम दे दी है तो ये चीज़ हो गई वापस से एक और चीज़ कर लेते हैं यहाँ पर रजिस्टर एक और रजिस्टर यहाँ पर जोड़ दिया है एक और रजिस्टर यहाँ पर जोड़ दिया है इस प्रकार से अगेन वी आर गेटिंग द सेम कहानी ओवर ईयर दैट इज़ टेन एम्पियर वाली यहाँ पे हमें मिल रहा होगा बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से ग्रेट तो ये हंड्रेड वोल्ट रहेगा ये थर्टी रहेगा ये ट्वेंटी रहेगा ये टेन ये फाइव और यहाँ पे टेन एम्पियर्स की कहानी तो ये है मेरा एक्चुअल सर्किट डायग्राम ओके ये है मेरा एक्चुअल सर्किट डायग्राम टेन ओम के अक्रॉस का मुझे करंट ढूंढना है अकॉर्डिंग टू तेवीनियन थियरम अकॉर्डिंग टू तेवीनियंस थियरम ग्रेट ओके ग्रेट आ चलिए 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 कोई टेंशन नहीं है ओके okay, अब देखो सीन क्या है कैलकुलेशन फॉर वीटीएच करना है वीटीएच के लिए हम लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किटेड करते रहते हैं तो स्टेप नंबर वन हमारा वही है स्टेप वन लिख दीजिए कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ वी टी एच टवीनियंस वोल्टेज चेक करेंगे हमारा सर्किट डायग्राम इस प्रकार से दिखेगा कोई टेंशन नहीं रहेगा ये ऐसे कर दिया इस प्रकार से यहाँ पे ओपन सर्किटेड कर दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे वी टी एच को मेजर करना है इस प्रकार से ये ऐसे बाक़ी तो हमारे सोर्सेस तो एज़ इट इज़ रहने वाले हैं। इसमें कोई चिंता कोई परेशानी नहीं तो यहाँ पे रहेगा वी टी एच वी टी एच हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से लिखना तो चिंता नहीं रहेगा ये थर्टी ये ट्वेंटी ये हंड्रेड ये फाइव और ये टेन एम्पियर वाली कहानी कड़क ओके अब आराम आराम से इनको मेश लगा देते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं करंट हमेशा कैसे फ्लो होता रहता है करंट हमेशा क्लॉकवाइज फ्लो होते रहता है इतना याद रखना है आपको याद मतलब वो तो मतलब सिंपल है यार वो तो सिंपल ही है है ना वो तो सिंपल ही है ठीक है चलिए चलिए थैंक यू प्रतीक जी थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड बिल्कुल आप अपनी फ्रेंड्स लोग को भी सजेस्ट करिए अमेजिंग तो देखिए यहाँ पे वापस से पॉजिटिव नेगेटिव वाली कहानी वापस से वही यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड उस प्रकार से हमें ये मिलता रहेगा कल मैंने मेश एनालिसिस में पूरा का पूरा यहाँ पे सीन बता दिया है कि यार मेश एनालिसिस में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिया जाता है सेम कॉम्पोनेंट डिफरेंट टर्मिनल डिफरेंट कॉम्पोनेंट सेम टर्मिनल की कॉन्सेप्ट कैसी होती है ऑलरेडी कल के सेशन में हमने कवर किया है आपने नहीं देखा तो आज ही जाके देखिए देखा है लेकिन ध्यान नहीं था तो वापस जाके देखिए एप्सोलूटली अपने यूट्यूब के ऊपर फ्री में है ठीक है चलिए पहले फॉर द फर्स्ट लुप फ्रॉम लूप वन फ्रॉम लूप वन सीधा टेन एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो आई वन में सीधा लिखूंगा टेन एम्पियर उसी डायरेक्शन में तो उसमें कोई दौरा ही नहीं है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा ओके अब जाते हैं लूप नंबर थ्री की तरफ ये आई वन यहाँ से फ्लो होता रहेगा यहाँ पे आई थ्री फ्लो होगा क्योंकि थर्ड लूप है ओके नेक्स्ट अप्लाइंग अप्लाइंग के वी एल टू लूप नंबर थ्री टू लूप थ्री है ना थर्ड लूप को के वी एल अप्लाई करते हैं इधर बाजू में लिखेंगे तो चिंता नहीं रहेगा ओके okay, चेक करेंगे अर्कम ऑन ये बनेगा चेक करो माइनस ऑफ ट्वेंटी माइनस ऑफ ट्वेंटी एक ही करंट फ्लो होगा ट्वेंटी में से दैट इज आई थ्री बाकी कोई करंट उसमें से फ्लो नहीं होने वाला है क्योंकि ओपन सर्किटेड है मिडल वाला लूप तो उसमें से कैसे करंट फ्लो होगा यार है ना सिंपल है वायर ही ओपन है तो करंट फ्लो होगा ही तो कैसे ठीक है तो ये क्या बनेगा माइनस ऑफ ट्वेंटी आई थ्री ठीक है माइनस ऑफ थर्टी आई थ्री है ना ठीक है नेक्स्ट और फिर यहाँ पे ये भी नेगेटिव में चला जाएगा तो ये वापस से बनेगा माइनस ऑफ हंड्रेड विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो आप चेक कर सकते हो या फिर आप इनकी साइंस को भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देना चाहते हो तो आप उस प्रॉपर तरीके से भी साइंस को दे सकते हो अगर आपको इंडिविजुअली देना है तो आप इंडिविजुअली भी ये साइंस को दे सकते हो देखो कैसे आई टेल यू देखो कैसे टेंशन नहीं है आंसर एक ही आएगा टेंशन मत लेना देखो देखो कैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये बनेगा नेगेटिव ये बनेगा पॉजिटिव ये बनेगा नेगेटिव ये बनेगा पॉजिटिव तो उस बैटरी के हिसाब से भी आप साइंस दे सकते हो उस बैटरी के हिसाब से दिया तो ये बनेगा पॉजिटिव ये भी बनेगा पॉजिटिव एंड हंड्रेड मेरा जो रहेगा वो फॉल इन पोटेंशियल है जहाँ पे माइनस हंड्रेड आपको दिखाई पड़ेगा सॉर्टेड एयर माइनस हंड्रेड मुझे दिखाई पड़ेगा एंड दैट्स द रीज़न यहाँ से मुझे मिलेगा फिफ्टी आई थ्री विच इज़ इक्वल टू हंड्रेड देयरफॉर i3 भी मुझे मिल चुका है दैट इज 2 एम्पियर्स i3 भी मुझे मिल चुका है 2 एम्पियर्स सॉर्टेड है कोई चिंता कोई परेशानी देखो मैंने माइनस माइनस लिया होता तो i3 क्या मिलता माइनस 2 मिलता माइनस 2 मतलब क्या कंसीडर डायरेक्शन इज ऑपोजिट फर्क नहीं पड़ता भाई साहब आपको जैसे मर्जी करे वैसे ले सकते हो आप टेंशन लेने का नहीं टेंशन एग्जामिनर को देने का अपन नहीं लेने का ओके okay जी तो चलिए तो आपको जैसे मर्ज़ी करे आप कैलकुलेट करिए टेंशन मत लीजिए ठीक है थीके? तो अगर आप पहले वाले से कंफर्टेबल हो तो मैं पहले वाले से कर देता हूँ अपना वही फंडा है यार जैसे आप कंफर्टेबल हो उससे सॉल्व करिए तो मैं यहाँ पे साइंस आपके हिसाब से दे देता हूँ ठीक है ना आप यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है तो नेगेटिव से बाहर जाएगा तो देखो माइनस माइनस मैं दोनों मेथड करके बता रहा हूँ कंफ्यूज मत होना ओके okay, तो ये माइनस फिफ्टी आई थ्री तो ये माइनस टू बनेगा तो आई थ्री का डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा बस इतना ही फर्क है बाकी कुछ नहीं है बस एरो की डायरेक्शन अलग होती है बिल्कुल सुमित जी डिपेंडेंट सोर्स का भी हम सवाल लेते हैं वो मैंने पीवाई के लिए रखा है डिपेंडेंट सोर्स का सवाल एक क्वेश्चन पेपर में हमारे पूछा गया था और वही सवाल बिल्कुल हम लेने वाले हैं चिंता मत करना ओके okay? चलिए चलिए बढ़ते आगे ठीक है सो आई गॉट आई वन एंड आई थ्री एक्सट्रीमली सॉरी अभी राइटिंग द इक्वेशन फॉर वी टी एच तबीयत थोड़ी नासाज है लेकिन आपका पेपर इंपॉर्टेंट है ओके okay? चलिए तो ये बनेगा राइटिंग द इक्वेशन फॉर वी टी एच के लिए अभी हम इक्वेशन लिख रहे होंगे ये मिडल वाला जो सेक्शन है इसके लिए हम करंट को फ्लो कर रहे होंगे उसमें से एक्चुअल करंट कोई नहीं फ्लो होगा बट जो आजू बाजू वाले रजिस्टर पांच और बीस के मुझे दिख रहे हैं उसमें से तो ऑलरेडी करंट फ्लो हो चुका है वो हम कंसिडर करेंगे ठीक है तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी मैंने साइंस को देना है तो ये यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से ठीक है तो ऐसे आप इसको कर सकते हो कोई टेंशन नहीं है तो आप देखिए यहाँ पे क्या बनेगा पॉजिटिव से देखो ऐसा करंट फ्लो होगा तो पांच वाले में से बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव में से बाहर आ रहा है तो फाइव आई वन यहाँ पे रहने वाला है कितना फाइव आई वन ओके फाइव आई वन ठीक है फाइव आई वन माइनस ऑफ वी टी एच क्योंकि नेगेटिव से बाहर आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है फॉल इन पोटेंशियल है इसलिए नेगेटिव हो गया वापस यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव से बाहर आ रहा है मेरा 20 वाला क्योंकि I3 देखो ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस ऑफ ट्वेंटी आई थ्री विच इज इक्वल टू जीरो आई हैव इच एंड एवरी वैल्यू ओवर ईयर दैट इज 10 माइनस ऑफ VTH टी एच माइनस ऑफ ट्वेंटी इंटू टू विच इज इक्वल टू जीरो हेंस दिस इज गोना टू बी 50 50 माइनस फोर्टी इज सिंपली तो ये बनेगा वी टी एच इज इक्वल टू टेन वोल्ट की कहानी टेन वोल्ट की कहानी चेक करो कम ऑन एवरी बॉडी चेक करो जिस वक्त आपको वी टी एच मिल जाएगा वी टी एच मिल जाएगा बिल्कुल 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 उस वक्त आपकी कहानी देखो आई थ्री का डायरेक्शन मैंने ऑपोजिट लिया हुआ है क्योंकि मैंने करंट क्लॉकवाइज लिया हुआ है अगर आप करंट एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो उस समय आपका आई थ्री बिल्कुल पॉजिटिव में आएगा जब पॉजिटिव में आएगा तो डायरेक्शन ऊपर मेरा आई थ्री नेगेटिव में आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो आई थ्री इज इक्वल टू माइनस टू एम्पियर आ रहा है और उस माइनस टू को ना लिखते हुए मैंने टू एम्पियर लिखा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट लिखा हुआ है ओके सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन हर्ष जी आपके जो भी क्वेश्चन है उस बारे में का ठीक है बढ़ते हैं आगे स्टेप नंबर टू की तरफ स्टेप नंबर टू की तरफ स्टेप नंबर टू ओ हो खतरनाक वाला कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ आर टी एच कैलकुलेशन ऑफ आर टी एच चलिए 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 मचाते हैं शोर चारों ओर आ हा 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 ओके यहाँ पे देखिए रिप्लेसिंग ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखना जरूरी है जो सी ओ वी एस मैंने आपसे कहा था रिप्लेसिंग करंट सोर्स करंट सोर्स एज ओपन सर्किटेड ओपन सर्किटेड सर्किटेड एंड वोल्टेज सोर्स वोल्टेज सोर्स एज शॉर्ट सर्किटेड शॉर्ट सर्किटेड ठीक है देर फोर अब चेक करो सीन क्या है यहाँ पे यहाँ पे इस प्रकार से हो गया ऐसे हो गया फिर ऐसे हमारा तो रजिस्टर है ही यहाँ पे एक रजिस्टर है ही है यहाँ पे मेरा वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट बना दिया करंट सोर्स उस पार था तो उसको ओपन करके वो वायर को मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि उसमें से कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं ठीक है बिल्कुल 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 कोई दिक्कत कोई परेशानी येस एवरीबडी कोई दिक्कत कोई परेशानी मीत जी नेगेटिव नहीं कंसीडर करेंगे हम उसको पॉजिटिव ही डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है चेक करो आइतरी में ऑलरेडी मैंने नेगेटिव यहाँ पे कंसीडर कर लिया है तो इसलिए नेगेटिव सब्सटिट्यूट नहीं करेंगे ठीक है ये जो नेगेटिव सब्सटिट्यूशन वाला वगैरह चीज़ होता है ना वो सिर्फ एक ही जगह पर होता है डाटे सुपर पोजिशन सुपर पोजिशन याद रखना बाकी टेविनियन नोटन्स में सिर्फ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए ठीक है सो दिस इज़ गोइ टू बी योर आर टी एच यहाँ से हम चेक कर रहे होंगे ये हमारा ए नोड है ये हमारा बी है यहाँ पे ऑलरेडी मेरा फाइव है यहाँ पे ट्वेंटी है और यहाँ पे थर्टी है अब देखो अगर इसको सीरीज पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा है ना नहीं समझा तो तो फिर तो फिर क्या करने का सीरीज पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो क्या करने का थोड़ा ध्यान देना मैं आर टी एच से एक करंट भेज दिया मैंने आर से करंट भेज दिया फिर वो यहाँ से गया सपोज अब करंट जाने के बाद इस पॉइंट पे आने के बाद ये क्या हो रहा है स्प्लिट हो रहा है जहाँ पे करंट स्प्लिट होएगा वहाँ पे क्या होता है पैरल होता है देर फोर देर फोर यहाँ पे क्या लिखेंगे ट्वेंटी पैरल थर्टी हाँ ट्वेंटी पैरल थर्टी तो चेक करो ट्वेंटी पैरल थर्टी होएगा तो ट्वेंटी इंटू थर्टी अपॉन ट्वेंटी प्लस थर्टी कर दिया विच इज़ नथिंग बट 600 हंड्रेड अपॉन फाइव हंड्रेड दैट इज सिंपली गोने टू बी ऑर दैट इज सिंपली गोने टू बी ऑर चेक करो चेक करो कितना आ रहा है 20 पैरल 30 तो 600 और ये 50 आ रहा है सॉरी 50 आ रहा है ठीक है तो आप इसको कैलकुलेट कर लो देखो कितना आ रहा है एक ही मिनट का समय दीजिए हम यहाँ पे कर लेते ट्वेल्व आ रहा है है ना ट्वेल्व आ रहा है है ना ट्वेल्व आ रहा है ठीक है चेक करो चेक करो तो ये ट्वेल्व आ रहा है ट्वेल्व ओम आ रहा है तो मेरा सर्किट को रीड्रॉ करेंगे वापस से ये आर टी एच रहेगा यहाँ पे एक रहेगा रजिस्टर जो अपन ने अभी कर दिया ये पाँच तो रहने ही वाला है कोई दोहराई नहीं है तो यहाँ पे फाइव हो गया यहाँ पे ट्वेल्व हो गया यहाँ पे आर टी एच हो गया दिस इज़ ए दिस इज़ बी कहानी बिल्कुल क्लियर है ये पांच और बारह जो है ये हमारे सीरीज में रहेंगे क्योंकि एक ही करंट इसमें से फ्लो होता रहेगा ठीक है एक ही करंट इसमें से फ्लो होता रहेगा ओके चलिए योयो यूट्यूबर जी कह रहे सर दस करोड़ का प्लेसमेंट कैसे लाने का पहले आपका कॉलेज कौन सा है और यूनिवर्सिटी कौन सा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा मायने रखता है वो ठीक है और उसके बाद ही वो प्लेसमेंट की बात हम करेंगे अगर आप कोई घटिया कॉलेज से हो और आप कोई मतलब एरी गहरी यूनिवर्सिटी से हो तो वहाँ पे दस करोड़ का पैकेज फ्रैंकली नहीं मिलता ओके डिपेंड्स ऑन योर यूनिवर्सिटी एंड योर कॉलेज एज वेल ओके सो देर फोर टोटल आर टी एच आर इक्वालेंट हम इसको कह सकते हैं तो इसको लिखते हैं आर इक्वालेंट दैट इज़ नथिंग बट फाइव प्लस ट्वेल्व विच इज़ नथिंग बट सेवनटीन ओम सेवनटीन ओम मुझे यहाँ पर मिल चुका है एंड फाइनली स्टेप नंबर थ्री स्टेप थ्री कैलकुलेशन ऑफ लोड रजिस्टेंस कैलकुलेशन ऑफ आई एल तो हमारा आई एल के लिए बेसिकली मुझे एक लोड रजिस्टेंस दिखाना पड़ता है मुझे एक इक्वालन दिखाना पड़ता है मुझे वी टी एच दिखाना पड़ता है ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर शो करनी पड़ती है तो ये टेन आता था ये सेवनटीन था ये टेन मेरा लोड रेजिस्टेंस है इसमें कोई दोहरा ही नहीं है ये पॉइंट ए पॉइंट बी है नोड ए नोड बी है ठीक है तो इस प्रकार से बिल्कुल चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे कदम कदम बढ़ाए जा ओहो अच्छा ये सारी कमेंट्स लिखने से अच्छा मुझे तब अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पे आंसर को लिखोगे यार प्लीज़ कृपा करके आंसर को लिखिए तब मज़ा आएगा और तभी जाके कुछ हो पाएगा सो प्लीज़ आंसर को कैलकुलेट करिए आई एल इज़ इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल है ना वी टी एच कितना है हमारा टेन है आर टी एच कितना है 17 प्लस टेन है खत्म हो गई खत्म हो गई कोई गाउटी ऐसा टेन टेन कैंसिल मत करो समझ रहे हो मेरी बात को कैंसिल मत करो आ चलिए कोई दिक्कत कोई दोहराई कोई परेशानी कितना आ रहा है एक ही मिनट का समय दीजिए कितना आ रहा है मेरा ये टेन ही था बिल्कुल सही पकड़े बिल्कुल सही पकड़े है चलो 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 कितना आ रहा है तो टेन अपॉन में टेन अपॉन में ये ट्वेंटी सेवन आंसर आ रहा है जीरो पॉइंट थ्री सेवन तो आई एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट थ्री सेवन एम्पियर्स वाली कहानी है ये बिल्कुल यही चाहिए था मुझे ये तेवीनियंस का पूरा का पूरा सवाल अच्छे से देख लो कंफर्म क्वेश्चन है हमारी एग्जाम के अंदर मतलब ये आना ही आना है यार आपको ये आना ही आना है किसी भी हाल में समझ रहे हो मेरी बात को किसी भी हाल में ये आना ही आना है आपको ठीक है चलिए बढ़ते आगे बढ़ते हैं आगे एक और मेथड के साथ जिसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम है ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम ये हमारे लिए भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सच कहूँ तो ये थेवीनियंस की तरह ही है ज़्यादा इसकी डीप में जाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्ले लिस्ट है ज़रूर जाके चेक करिए नाम के साथ सारे वीडियोज़ बना दिए हमने ठीक है मैक्सिमम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम क्या सीन है थोड़ा ध्यान से देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम एक्चुअल में उसका फॉर्मूला क्या है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए पावर ट्रांसफर के लिए स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री एज इट इज हमें जैसे तेवीनियन में करना था स्टेप नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ वी कैलकुलेशन ऑफ वी वहाँ पे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जाती थी यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस नहीं दिया जाएगा यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टर दिया जाएगा ठीक है रिमूव 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 वेरिएबल रजिस्टर मैं कैसे दिखता है वो भी बताता हूँ वेरिएबल रजिस्टर है ना वेरिएबल रजिस्टर किस प्रकार से दिखता है ये ऐसा रजिस्टर होगा और उस पर ऐसा एरो होगा और वहाँ पे लिखा जाएगा आर जिसको हम कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर इसको रिमूव करना है बाय ओपन सर्किटेड बाय ओपन सर्किटेड और बाकी तो सब सीन वैसे के वैसे रहेगा इसको ओपन सर्किट करने के बाद वहाँ पे वी लिखोगे आप एंड फिर जाके कैलकुलेशन फॉर वी टी एज इट इज़ स्टेप नंबर टू हमारा वैसे के वैसे उसमें कोई दौरा ही नहीं है कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ आर हम कर देंगे आर ठीक है वैसे के वैसे

कहानी को ख़त्म करने का वी टी एच स्क्वायर अपॉन फोर आर टी एच दिस इज़ वॉट द इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम जो हमारी एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है इसका एक सवाल दे के रखता हूँ आप इसको ट्राई करोगे आपको नहीं आया तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताना इसका सल्यूशन हम आपको दे रहे होंगे हमारी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के ऊपर ठीक है क्या क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एन रजिस्टेंस आर एल आर एल फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ट्रांसफर एंड कैलकुलेट and calculate maximum power आपको maximum पावर को कैलकुलेट करना है ठीक है तो यहाँ पर बनेगा इस प्रकार से ये बन रहा है इस प्रकार से डोंट वरी अभी आंसर भी दे के रखता हूँ आपको तो टेंशन ही नहीं रहेगा परफेक्ट ये भी परफेक्ट ठीक है यहाँ पे भी एप्सलूट करेक्ट ये भी हमारी बैटरी है वो भी करेक्ट है ओके okay जी कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं तो ये फोर एम्पियर की कहानी यहाँ पे फाइव ओम यहाँ पे टेन वोल्ट यहाँ पे अगेन दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट इज आर एल फाइव ओम है और यहाँ पे वन है और एट वोल्ट की यहाँ पे बैटरी है ठीक है फटाफट से यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ आप ट्राई करोगे यहाँ पे वी टी एच मुझे मिल रहा है आई वन आई टू तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे वी टी एच मिल रहा है टेन वोल्ट आई वन आई टू भी लिख देऊँ क्या तो आई वन आई टू का भी टेंशन नहीं आई वन इज़ इक्वल टू माइनस टू एम्पियर एंड आई टू के लिए यहाँ पे लिखना चाहते हैं अब भी ऑब्वियसली आई वन की वैल्यू आप माइनस टू ही डालोगे तो ये टू एम्पियर इतना कर दिया फिर आर टी एच देखते हैं कितना आ रहा है तो ये बन गया मेरा ओपन ये ओपन ये शॉर्ट तो फाइ और फाइव ही रहेगा तो मेरे ख्याल से ये बन रहा है फाइव और फाइव बिल्कुल इन सीरीज़ एंड वन विद इन पैरल तो दैट इज़ गोना टू बी जीरो पॉइंट नाइन वन ओम और बस पी मैक्स की वैल्यू आपको ढूंढनी है दैट इज़ ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर सेवन वैट आती है इसकी वैल्यू चेक करो इसको अच्छे से किधर डाउट है तो पूछिए किधर डाउट है तो पूछिए एब्सोल्युटली ये आपको खुद को सॉल्व करना है ये आपको खुद को सॉल्व करना है बिल्कुल कोई डाउट कोई परेशानी ठीक है बढ़ते हैं आगे अब एक और चीज है नॉटन्स है और सुपरमेश है इसका एक और सेशन हम करेंगे वन शॉट का आज ही दोपहर को फिलहाल के लिए तब थोड़ी नासाज है इसलिए इस सेशन को हम यहीं पे रुकाते हैं तीन मेथड्स हमने कर दिए अगर आपने ऑब्जर्व किया है सुपर पोजिशन तेवीनियंस एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इसको ढंग तरीके से सॉल्व करना किधर डाउट है तो आज दोपहर के सेशन में भी जरूर पूछना आज शाम को एक वीडियो जरूर रिलीज होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन बी डबल विथ इट्स पेपर पैटर्न उसको जरूर देखना और अपनी फ्रेंड्स लोग तक जरूर शेयर करना पूरी वीडियोस पूरी सिलेबस की कहानी मॉडल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक अगर आपको चाहिए तो जरूर हमारी क्रैश कोर्स में आ जाइए वहाँ पे सारा मटेरियल सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है पूरा दिन भर देखो और मचा डालो सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ऑफर है 250 सौ पचास टू फोर्टी में क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है लिंक अपनी कमेंट बॉक्स में पिन की गई है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में तब तक के लिए बब्बाई टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस